नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण एक पाठ सुरू केला आहे, पार्ट दोन बाराखडी। हमने एक न्यू लेसन स्टार्ट किया है, पार्ट दो बाराखडी। पार्ट दोन बाराखडी मध्ये आपण याचे दोन व्हिडिओज मध्ये क पासून अंग पर्यंत आणि च पासून इय पर्यंत आहे ना, क पासून अंग आणि च पासून इय पर्यंत हे जे व्यंजन आहे त्यांची बाराखडी आपण बघितली। देखा है हमने क से लेके इय तक की बाराखडी हमने पढ़ चुके। पहले वीडियो में हमने क ख ग घ आणि अंग, फर्स्ट वीडियो मध्ये आपण क का की कू कू के कई को कऊ कम का असे बघितली बाराखडी। नेक्स्ट ख, ख ची बाराखडी कशी, ख की बाराखडी कैसे पढ़ते हैं हम, ख हा खी खी खू खू खे खाई खो खाऊ खम खा। नंतर ग गा गी गी गु गु, गे गई गो गौ गम गा, घ घा घी घी घु घु, घे घई घो घौ घम घा। अंग अंगा इंगी इंगी इंगु इंगु एंगे एंगई अंगो अंगौ अंगम अंगा। बघितले से इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर हमने च से लेके इय तक कैसे पढ़ा, उसका पठन कैसे कैसे किया था हमने, च पासून इय पर्यंत चला एकदा म्हणूया माझ्यासोबत तुम्ही म्हणायचं, च चा ची ची चु चु चे चई चो चौ चम चम छ छा छी छी छु छु छे छै छो छौ छम छा। ठीक है, नंतर ज ज जा जी जी जु जु जे जै जो जौ जम जा, झ झा झी झी झु झु झे झै झो झौ झम झा, इय या इ इ यु यु ए ऐ ओ यौ यम या। अशा प्रकारे आपण क पासून तर कुठपर्यंत क ते इय पर्यंत ही बाराखडी बघितली। आता आपण याच्या पुढे अब हम इसके आगे की बाराखडी, यानी इसके आगे कौन सा व्यंजन आता है इय के बाद, नंतर येतो ट ठ ड ढ आणि न न आता है ना, ट ठ ड ढ यहां आता है। अब हमने बाराखडी कैसे बनाई थी, कशा बनवलं आपण, हर इस व्यंजन में कौन सी मात्राएं लगाई थी, जो हमने स्वर स्वर किती शिकलो आपण, 12 12 स्वरांची स्वरांची मात्रा चिन्ह। तर पहिले मात्रा चिन्ह अ असते, अ चे मात्रा चिन्ह नाही म्हणून हां, आता उरलेल्या 11 स्वरां 11 स्वरांचे मात्रा चिन्ह आपण ह्या ट लाच लावायचे, जसे हमने इसके पहले बनाया वैसे। ठीक है ना, हमने ट, अब ट क्या लगाएंगे, सबसे पहले ट ना आधी पाला हूं आ, तर आचा खाना टा, मग ट ट ला काय असायची, पहिली वेलांटी टी, मग नंतर ट ला कोणती वेलांटी लागणार, ई नंतर लहान ई नंतर मोठी, मोठी ची कोणती वेलांटी दुसरी, नंतर ट साठी ट ला पहिला उकार तला दूसरा उकार, तला ए ची मात्रा तला ए ची मात्रा आहे ना बरोबर, मग ठ तला ओ ची मात्रा तला ओ ची मात्रा तला अनुस्वार आणि तला आ ची मात्रा। अशा प्रकारे तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आता अपन याला कसं वाचू, जसं आपण क पासून ए पर्यंत वाचले तसं, चल ट ता टी टी टू टू टे टई टो टौ टम टा। बनली बाराखडी, बन गई ना बाराखडी। तो आपको कोई भी बाराखडी बनाना है तो क्या लगाना पड़ता है, स्वरों के मात्रा चिन्ह लावायचे असतात ना, स्वरांचे मात्रा चिन्ह तेच। आता कोणती बाराखडी, आता ट ची झाली, ट नंतर काय ठ, ट के बाद आता है ठ, आता ठ ची बाराखडी, ठ ठ
थला आचा कान था थला पहली वेरंटी लावली तर काय झालं थी थला दुसरी वेरंटी थी थला पहिला उकार थला दुसरा उकार थला एची मात्रा थला एची मात्रा दोन मात्रा असतात थला ओची मात्रा एक ताना एक मात्रा थलाउची मात्रा एक ताना दोन मात्रा थला उंची मात्रा म्हणजे अनुसार आणि थला आची मात्रा म्हणजे विसर्ग आता याचे वाचन अब इसको कैसे पढ़ेंगे थ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठो ठम ठा है ना ट पासून ठा ठ पासून ठा पर्यंत आता ट ठ त्यानंतर ड ट ठ के बाद आता है ड आता ड ड ला आ ची मात्रा ड ला आ चा कानाटा ड ला पहिली वेलांटी डी ड ला दुसरी वेलांटी मोठी डी ड ला पहिला उकार डू ड ला दुसरा उकार मोठा डू ड ला ए ची मात्रा ड ला ए ची मात्रा ड ला ओ ड ची मात्रा ड ला अम ची मात्रा आणि ड ला आ आता याचं वाचन ड डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डम डा अशा प्रकारे पराकडी आता ड नंतर ट ठ ड आता ड नंतर काय ड नंतर ढ ढला ढा ढला पहिली वेलांटी दिली तर ढी ढला दुसरी वेलांटी ढी ढला पहिला उकार ढू ढला दुसरा उकार दिला तर मोठा ढू आणि ढला हा ढ आहे याला ए ची मात्रा मात्रा कुठे लावतात खाली किंवा वर तर ढला ए ची मात्रा ढे ढला ऐची मात्रा धै कारण याला आपण दोन मात्रा लावतो कारण मात्रा वर आणि ऐची मात्रा मध्ये दोन मात्रा असतात माहिती आहे ना तुम्हाला धै धला ओची मात्रा ध में ओ की मात्रा में एक मात्रा और एक तर ढला ओची मात्रा म्हणजे एक काना एक मात्रा तर ढला औची मात्रा म्हणजे एक काना वर दोन मात्रा ढला अमची मात्रा म्हणजे फक्त वर एक अनुस्वार आणि ढला आची मात्रा म्हणजे दोन पॉइंट ज्याला आपण विसर्ग म्हणतो ठीक आहे इस तरीके से हिंदी में बनाते हैं अब इसको पढ़ेंगे कैसे आप अच्छा कसं वाचन करू ढ धा ढी धी ढू ढू ढे ढई ढो ढौ धम धा ठीक है आता शेवटी ट ठ ड ढ ढ नंतर येतो ढ के बाद आता है न न न ला आ चा काना ना न ला पहिली वेलांटी नी न ला दुसरी वेलांटी मोठी नी न ला पहिला उकार नू न ला दुसरा उकार नू न ला ए ची मात्रा ने न ला ऐ ची मात्रा नई न ला ओ ची मात्रा म्हणजे एक काना आणि एक मात्रा न ला औ ची मात्रा म्हणजे एक काना दोन मात्रा न ला अम ची मात्रा म्हणजे वर अनुस्वार आणि आहा ची मात्रा म्हणजे विसर्ग आता याचं वाचन करूया आपण न ना नी नी नू नू ने ने नई नू नौ नम ना अशा प्रकारे आपण आज किती स्वर किती व्यंजन ऐकलो पाच ट ठ ड ढ आणि न ठीक आहे ना यापूर्वी आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये क ते अंकापर्यंत
दुसऱ्या व्हिडिओ मध्ये च ते ञ पर्यंत आणि आज आपण तिसऱ्या व्हिडिओ मध्ये ट ते न पर्यंत। तर आता चला आपण क पासून न पर्यंत जेवढी आपण मराठी शिकलो अभी हमने क से लेके आज न तक पढ़ी ना, तो ये सारी मराठी हम एक साथ दोहराते हैं। आप भी मेरे साथ बोलेंगे, आपके पास बुक है तो आप बुक से देख के बोलेंगे, नहीं है अगर आपको याद है तो आप बोलेंगे। और आज की मराठी आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, आप यहाँ से देख के बोलेंगे। चलो स्टार्ट करें, चलो शुरू करो। या उठून क पासून न पर्यंत कंटिन्यू हम बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट क ख ग घ अंग। ये क्या है? सिर्फ व्यंजन है, हमको मराठी बोलनी है तो क का, ठीक है ना। क का की कु कु के कई को कौ कम का। ख खा खी खु खु खे खई खो खौ खम खा। ग गा गी गु गु गे गई गो गौ गम कहा। घ घा घी घु घु घे घई घो घौ घम खा। फिर अंग, उसके बाद च चा ची चु चु चे चई चो चौ चम चा। छ छा छी छु छु छे छई छो छौ छम छा। ज जा जी जु जु जे जै जो जौ जम जा। झ झा झी झु झु झे झै झो झौ झम झा। आप बोल रहे मेरे साथ। फिर इय, उसके बाद आता है अंतर ट। ट टा टी टू टू टे टै टो टौ टम टा। ठ ठा ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठम ठा। ड डा डी डू डू डे डै डो डौ डम डा। ढ ढा ढी ठी ढू ढू ढे ढै ढो ढौ ढम ढा। न ना नी नु नु ने नई नो नौ नम ना। अशा प्रकारे इस तरीके से आपको कंटिन्यूशन में ये जो बाराखड़ी है बोलनी है। बच्चों देखो, मैंने आपको ये जो बाराखड़ी पढ़ाई है कल वाली और इसके पहले वाली वीडियो में आपने जो लिखी है, अब उसी से कंटिन्यू हम ये वाली बाराखड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में आपने इया तक लिखा है, उसी के नीचे आप ट से लेके न तक तुम्ही इया पर्यंत बाराखड़ी लिहिली आहे, त्याच खाली फक्त डेट टाकायची तिथे आणि त्या खालीच कंटिन्यू करायचं ट पासून न पर्यंतची बाराखडी लिहायची, ठीक आहे। आणि जशा प्रकारे मी तुम्हाला आता वाचून सांगितलं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको रीड करके दिखाया, सेम आपको भी वैसे ही फ्लो में रीड करना है। बाराखडी इसी तरीके से पढ़ी जाती है। और आपको देखो, मैंने आपको वीडियोस बनाने के लिए आपकी एक एक दिन टर्न होती है ना, तो उस इसलिए मैंने आपको इस बार आपकी इस रीडिंग टर्न एक्टिविटी में क्या दिया है, आपको बाराखड़ी बोलने के लिए तुम्हारा बाराखड़ी बोलायसाठी सांगितलं आहे, दिलेली आहे मी। प्रत्येक विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी व्यंजने दिलेली आहे, कोणाला ट पासून क पर्यंत, कोणाला क पासून अंग पर्यंत, कोणाला च पासून ञ पर्यंत। इस तरीके से जिसकी जैसी टर्न रहेगी उसे उन वो बाराखड़ी बोलनी है। तो इसी तरह से फ्लो में बोल के आपको वो क्या करने हैं, वीडियोस बनाने हैं और मुझे सेंड करने हैं। और ये आप कहाँ लिखेंगे, हे कुठे लिहिणार तुम्ही? जी बाराखड़ी आता दोन व्हिडिओ मध्ये शिकवलेली लिहिली आहे त्याच्याच खाली। और अच्छे राइटिंग में लिखनी है, गुड हैंड राइटिंग में लिखनी है और मुझे आपका जो लिखा हुआ है वो व्हाट्सअप में मुझे सेंड करना है, ओके। तर एवढं मी जे शिकवलंय ते लक्षात ठेवायचं, पाठांतर करायचं आणि यापुढील बाराखडी आपण असे छोट्या छोट्या पार्टमध्ये करून कंप्लीट करून घेऊ, त्यानंतर आपण आपल्या विषयाकडे पूर्ववत बढू, ओके। तो तब तक के लिए बाय स्टुडंट्स।